दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बताऊँगा घर पे तवा सैंडविच कैसे बनाना है। इसलिए तवा सैंडविच बनाने के लिए आपको जो जो सामान चाहिए मैं पहले बता देता हूँ। मैंने दो बड़ा ब्रेड लिया है, दो उबला हुआ आलू, यह हमारा चीज़, प्याज और यह हमारा बटर है। मैं अभी प्याज और आलू को अच्छे से भून लूँगा और उसमें थोड़ा हम हाथ चम्मच नमक डालेंगे और अभी उसमें थोड़ा हम मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे उसमें। अभी उसको हम अच्छे से गूंद लेंगे आलू और प्याज को। अभी हमें ब्रेड में पूरा बटर लगा लेंगे पूरा अच्छे से। दोनों तरफ से लगा लेंगे उसको। दूसरे वाला ब्रेड को भी से बटर लगा लेते हैं उसको। हम ये हमारा दोनों ब्रेड में बटर में लगा दिया है, उसके अंदर हमें आलू लगाएंगे। उसके ऊपर मैंने चीज रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा कद्दूकस कर देंगे चीज को। अभी उसके ऊपर दूसरा ब्रेड चिपका देते हैं। अभी उसको हम तावे के ऊपर रख देते हैं। ये तावा ठंडे भी है, तावा फिर तावे के ऊपर ही बनेगा। अभी उसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसको हम धीमी आंच में पका रहे हैं। अभी एक साइड थोड़ा हो गया है, अभी दूसरा साइड पलट देते हैं उसको। उसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। सैंडविच को थोड़ा थोड़ा दबाने का बीच से तो चीज़ अच्छे से पिघल जाएगा। ये देखिए कितना गोल्डन बना है, बहुत टेस्ट भी। अभी हमारा तवा सैंडविच बन के तैयार हो गया है। अभी उसको हम प्लेट में रख लेते हैं। अभी हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया है, उसका पूरा ऐसे ही गोल्डन आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन। अभी उसको हम काट लेते हैं। ये देखिए पूरा चीज़ हमारा कैसे पिघल के पूरा आलू से चिपक गया है। आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा तवा सैंडविच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।